हेलो भाईजान, 2 मिनट। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ बिलाल भाई, कासिम भाई बनेली से चल के यहाँ तशरीफ लाए हैं। अब देखिए बिल्कुल साइलेंट हो जाएं, अब मज़ा आएगा ज़रा भाई। अब बिल्कुल साइलेंट हो जाएं, चंद मिनट हैं हमारे पास, वो हाजी साहब की मेहरबानियों का सदका है, तवज्जो दें।
अपनी लिखी हुई तकदीर पे हंस लेते हैं। आसिम भाई, अपनी लिखी हुई तकदीर पे हंस लेते हैं, दिल के जज्बात को जंजीर से कस लेते हैं। ये मेरा अपना तजुर्बा है, वक्त आने पर सांप तो सांप है, इंसान भी डस लेते हैं। सांप तो सांप है, इंसान भी डस लेते हैं। हेलो भैया, हेलो हेलो, बढ़िया आवाज बढ़ा दो भाई। ये मेरा अपना तजुर्बा है, वक्त आने पर सांप तो सांप है, इंसान भी डस लेते हैं। देखिए चंद मिसरे, छह मिसरे हैं लेकिन कमाल है। अधूरे आदमी से हम अधूरी बात करते हैं। अयूब चाचा, अधूरे आदमी से हम अधूरी बात करते हैं, मुसाफिर हैं सफर चालाकियों के साथ करते हैं। अधूरे आदमी से हम अधूरी बात करते हैं, मुसाफिर हैं सफर चालाकियों के साथ करते हैं। वो मेरे दोस्त हैं लेकिन मेरे दुश्मन से बदतर हैं, बुराई मेरे पीछे जो मेरी दिन रात करते हैं। बुराई मेरे पीछे जो मेरी दिन रात करते हैं। खुदा महफूज रखे ऐसे लोगों से कयामत तक, जो अपने दोस्तों से दुश्मनी की बात करते हैं। जो अपने परेशान हाल हो जाएंगे, हंसना भूल जाएंगे, ये बादल एक दिन हम पे बरसना भूल जाएंगे। अगर किरदार इंसानों का सांपों को बता दूं मैं, यकीनन शर्म से ये सांप डसना भूल जाएंगे। यकीनन शर्म से ये सांप डसना भूल जाएंगे। अगर किरदार इंसानों का सांपों को बता दूं मैं, फिर पढ़ो, फिर पढ़ो, परीक्षा हाल हो जाएंगे, हंसना भूल जाएंगे। ये मेरा बड़ा अजीज दोस्त है अदनान कानपुर से। परीक्षा हाल हो जाएंगे, हंसना भूल जाएंगे, ये बादल एक दिन हम पे बरसना भूल जाएंगे। अगर किरदार इंसानों का सांपों को बता दूं मैं, यकीनन शर्म से ये सांप डसना। शब्बीर अहमद बज़मी कहते हैं, बला से जख्म दिल रिश्ते हुए नासूर बन जाएं, मगर कमजर्फ के हाथों से हम मरहम नहीं लेंगे। जिन्हें तू दोस्त कहता है उन्हीं से तुझको बचना है, ये बदलेंगे तो बदला दुश्मनों से कम नहीं लेंगे। अल्लाह का शुक्र माइक बंद है, खुल गया। ये बदलेंगे तो बदला होते कम नहीं। बहुत शुक्रिया। चार मिसरे और सुने, और बात हकीकत है, जब अल्लाह किसी को उरूज दे, वो कोई भी फील्ड हो, कव्वाली ही नहीं बल्कि कव्वाली में तो कम है, अदर फील्ड में ज्यादा है, उसके हासिदीन बहुत होते हैं, नजर वाले बहुत होते हैं, दुश्मन बहुत होते हैं। तो इस पे एक चार मिसरे नजर कर रहा हूं कि गुरूर सर में समाया नहीं असर, वरना बुलंदियों से कभी का उतर गया होता। मुझे तो जिंदा मेरे दुश्मनों ने रखा है, मुखालफत नहीं होती तो मर गया होता है। गुरूर सर में समाया नहीं असर, वरना बुलंदियों से कभी का उतर गया होता। मुझे तो जिंदा मेरे दुश्मनों ने रखा है,
मुखालफत नहीं होती तो मर गया होता। बिलाल भाई, हर आर्टिस्ट की अपनी खूबी है, हर जर्रा अपनी जगह आफताब है। चार मिसरे नजर कर रहा हूं। मैं कस्बे का भोला पंछी अंदर बाहर में, मैं कस्बे का भोला पंछी अंदर बाहर ए, जिस शहरी ने हाथ लगाया नोच लिया भरे, जिस शहरी ने हाथ लगाया नोच लिया भरे, गुलशन पर दोनों का हक है कांटा हो या फूल, गुलशन पर दोनों का हक है कांटा हो या फूल, टकराने की बात न हो तो शीशा पत्थर, टकराने की बात न हो तो शीशा पत्थर, टकराने की बात न हो तो अब उरूज की बात है। अल्लाह पता नहीं किसके मुंह से क्या हिट करा दे। ये गजल मैं अपने वालिद से सुनता था, हमारे यूपी के जिला मेरठ के, खासकर मेरठ के एक शायर हैं जिनका नाम है हफीज मेरठी, जो हमारे शहर से 80-85 किलोमीटर दूर हैं। उनकी ये गजल थी, बचपन से हम सुनते थे, लेकिन मैंने अपने अंदाज में पढ़ा, लोगों ने पसंद किया। अब शीशा पत्थर एक तवज्जो चाहूंगा कासिम भाई। शीशा टूटे गुल मच जाए, बड़ी बहर के चार मिसरे कासिम भाई की नजर कर रहा हूं। इस टॉपिक जरूर सुनाऊंगा। वो नादा है तगाफुल के सहारों पे जो चलता है, नहीं पहचानता जो वक्त को फिर हाथ मलता है, न घबरा इस कदर ए दोस्त इस दौरे हवादिस से, वही गुल खुशनुमा होता है जो कांटों पे पलता है। प्यार झूठा था जताया ही क्यों, ये प्यार झूठा था जताया ही क्यों, प्यार झूठा था जताया ही क्यों, ऐसे जाना था तो आया ही क्यों, प्यार झूठा था जताया ही क्यों,
हरी साहब, हरी साहब का यहाँ आना, मुश्ताक अहमद मुश्ताक साहब के चंद मिसरे याद आ गए और वो हरी साहब की शख्सियत पे पढ़ रहा हूँ। मुस्कुराते हुए मंजर से निकल आते हैं, वो भी क्या लोग हैं जो घर से निकल आते हैं। बेसबब इनको दबाने की ना कोशिश कीजिए, ये वो सब्जे हैं जो पत्थर से निकल आते हैं। इनसे दीवाने ठहर जाएं अगर साहिल पर, जितने मोती हैं समंदर से निकल आते हैं। एक शेर आज के हालात के लिए कह रहा हूँ, जो अभी इस वक्त भारत के हालात है, इशारा समझ जाना बस। कपड़ों से बच गया तो मरेगा सिलाई से, कपड़ों से बच गया तो मरेगा सिलाई से, मुफलिस का कत्ल होगा निहायत सफाई से। क्या कहना है? और इन औरतों से छीन लो तुम घर का इक्तदार, लड़ते रहोगे वरना यूं ही भाई भाई से। और वो उससे कह दो जाके, सच बोलने का हमको हुनर भी ना आ सका, सच बोलने का हमको हुनर भी ना आ सका। अबे तुम झूठ भी कहते हो तो कितनी सफाई से। जोरदार तालियां हरी साहब के लिए बजनी चाहिए। खुशी तो आती है सीने से लेकिन गम नहीं जाते हैं। हरी साहब, खुशी तो आती है सीने से लेकिन गम नहीं जाते हैं। ये मैं अपने लिए नहीं, हरी साहब के लिए पढ़ रहा हूँ। खुशी तो आती है सीने से लेकिन गम नहीं जाते हैं। हमारी आँख से बरसात के मौसम नहीं जाते हैं। हमारी शख्सियत भी मुनफरिद, अंदाज भी यकता, जहां से सब गुजरते हैं वहां से हम नहीं जाते हैं। हरी साहब, इतनी मशक्कतों के बाद भी आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज पर हैं। पीर नसीरुद्दीन शाह साहब के चंद मिसरे याद आए हैं कि खम है सरे इंसान तो हरम में कुछ है, लोग अश्क बहाते हैं तो गम में कुछ है, बेवजह किसी पे नहीं मरता कोई, हम पे कोई मरता है तो हम में कुछ है। तो बड़ी नवाजिश। दर्दे दिल के बिना महफिल How come?
बड़ी नवाजिश। वक्त को भी देखना है, एक मतला और चंद शेर नजर कर रहा हूं, समात फरमाए। शीशा टूटे गुल मच जाए, शीशा टूटे गुल मच जाए, दिल टूटे आवाज ना आए, दिल टूटे आवाज ना आए, दिल टूटे आवाज ना आए, सांप डसे तो दोस्त बचाए, सांप डसे तो दोस्त बचाए, दोस्त डसे तो कौन बचाए, डसे तो कौन बचाए, दोस्त डसे तो कौन बचाए, डसे तो कौन बचाए, दोस्त डसे आजमाया हुआ जो मिसरा पढ़ रहा हूं, इसमें मेरी हकीकत है आसिम भाई। सांप डसे तो कांगिया गुजराती, बोलो ने, बोलो तो खरी भाई। सांप डसे तो दोस्त बचाए, दोस्त डसे तो कौन बचाए, अपनों से तो खैर ही अच्छे, अपनों से तो खैर ही अच्छे, अपनों से तो खैर ही अच्छे, घर का भेदी मशहूर शायर जनाब तकी शेरकोटी, मेरे वालिद के अजीज दोस्त मरहूम, उनके चंद मिसरे बड़े मकबूल हुए हैं ये। मेरे मोहसिन हो तो मुझको ये सजा मत देना, मेरे मोहसिन हो तो मुझको ये सजा मत देना, आज के दौर में जीने की दुआ मत देना, आज के दौर में जीने की दुआ मत देना, रोके पूछेंगे और हंस हंस के उड़ाएंगे मजाक, रोके पूछेंगे और हंस हंस के उड़ाएंगे मजाक, अपने फाके का पड़ोसी को पता मत देना, अपने फाके का पड़ोसी को पता मत देना, अब वो पाकीज़ा ख्यालात नहीं लोगों के, अब वो पाकीज़ा ख्यालात नहीं लोगों के, दोस्ती करना मगर, दोस्ती करना मगर मत देना, जिसके मिल जाने से अपनों की न पहचान रहे, जिसके मिल जाने से अपनों की न पहचान रहे। ये मेरी बहनें आई हैं, बेटियों पे हाजी साहब ने भी बहुत अच्छे मिसरे पढ़े हैं, पूरा आइटम पढ़ा है,
लेकिन मेरे अजीज जनाब सागर त्रिपाठी साहिब के चंद मिसरे, इबादत अर्चना पूजा बड़ी मन्नत से आती है, बड़ी शफकत सदाकत साधना रहमत से आती है। कभी माँ बाप की झोली में हो गर नूर की बारिश, खुदा के फजल से घर बेटियां जन्नत से आती हैं। देखिए हिजाब के अंदर दोनों हैं तो दुपट्टे को हया अखलाक का परचम समझती हैं। जरा सी बात पे क्यों बाप है बरहम समझती हैं। जवां बेटों को घर के मसालों से है कहां मतलब, यानी बेटियां माँ बाप का हर गम समझती हैं। बेशक अब वो पाकीज़ा ख्यालात नहीं लोगों के, अब वो पाकीज़ा ख्यालात नहीं लोगों के, दोस्ती करना मगर घर का पता मत देना, दोस्ती करना मगर घर का पता मत देना, जिसके मिल जाने से अपनों की न पहचान रहे, ऐसी दौलत भी मुझे मेरे खुदा, ऐसी दौलत भी मुझे मेरे खुदा, ऐसी दौलत भी मुझे मेरे खुदा, मत देना ऐसी दौलत भी मुझे मेरे खुदा, साउथ अफ्रीका वाले। मैं कल एक रिकॉर्डिंग में था, एक मूवी आ रही है वो है तमिल, साउथ इंडियन है लेकिन उसका हिंदी वर्जन मैंने गाया है। उसमें एक शेर आया वो यहां पे समय तो नजर कर रहा हूं, जो आपने पढ़ा है जो कहा है उस पर ही तवज्जो चाहूंगा। अल्लाह इन बच्चियों का मुस्तकबिल संवारे। आमीन आमीन। मेरी तो गुजारिश है अल्लाह, दुआ ही है अल्लाह से। आमीन आमीन। क्योंकि गैर लड़की की तरफ आंख उठाने वाले हमारे यहाँ के एक बड़े अजीम शख्सियत थे जनाब शमीम आजाद साहब, उनके मिसरे। गैर लड़की की तरफ आंख उठाने वाले, तेरी बिटिया भी किसी रोज सियानी होगी। तो ये हमारे घर के फूल हैं, अल्लाह इनको कायम रखे। मैं तवज्जो चाहूंगा खास तौर से। दिल की खता क्या उन पे बुराई, हमको मोहब्बत रासनाई, शोर हुआ जब शीशा टूटा, टूटा आवाज नाई, टूटा आवाज नाई, टूटा आवाज नाई, टूटा आवाज। बिलाल भाई इधर। शकील बदायूनी साहब कहते हैं, हंगामा गम से तंग आकर इजहार मसरत कर बैठे, मशहूर थी अपनी जिंदा दिली दानिश्ता शरारत कर बैठे, मशहूर थी अपनी जिंदा दिली दानिश्ता शरारत कर बैठे, हर चीज नहीं एक मरकज पर एक रोज इधर एक रोज उधर, नफरत से न देखो दुश्मन को शायद वो मोहब्बत कर बैठे, नदीम शाह साहब की गजल मैंने बहुत गाई जो हमारे देवबंद यूपी से ही हैं, लेकिन एक मतला सुन के चले जाएं उसी पे
मैंने नई गजल गानी शुरू की तो लोगों ने उसको भी पसंद किया। मतलब पढ़ रहा हूँ, दुश्मनों से मोहब्बत करो, दुश्मनों से मोहब्बत करो, दुश्मनों से मोहब्बत करो, इनकी फितरत में धोखा फितरत में धोखा नहीं, यार बन के गला काटना, गला काटना, यार बन के गला काटना, दुश्मनी में ये होता नहीं। मेरे पास वक्त कम है और मुश्ताक भाई की वालदा पीछे बैठी हैं और ऐसी हजारों वालदाएं यहाँ पर बैठी हैं। आखिरी शेर पढ़ के मैं एंड कर रहा हूँ। जी जी। नदी के पास में घर है, गमों का पाला है, और इत्तेफाक ये है कि दो दिन के बाद मेरी वालदा की भी बरसी है। 3 मई को और आज 1 मई हो चुकी है कि नदी के पास में घर है, गमों का पाला है, खबर मिली है कि सैलाब आने वाला है, कोई बला मेरे नज़दीक आ नहीं सकती कि मेरी माँ ने बलाओं में मुझको पाला है, कोई बला मेरे नज़दीक आ नहीं सकती कि मेरी माँ ने बलाओं में मुझको पाला है। शेर नजर कर रहा हूँ, वक्त की किल्लत है। अपनी वालिदा के लिए ये 2 मिसरे हैं कि बिछड़ जाने पे मुझको रहनुमा की याद आती है, मेरे कहने का मतलब है कि माँ की याद आती है, अभी भी वक्त हो, अभी भी वक्त है, फिर सोच लो धरती पे रहना है, ये मुझसे फिर ना कहना आसमां की याद आती है। घड़ी भर भी मुझे तन्हा कभी होने नहीं देते, ये मेरे चाहने वाले मुझे रोने नहीं देते, मेरे सर पे मेरी माँ की दुआओं के जो साए हैं, सफर में ये कभी भी हादसा होने नहीं देते। क्या बात है, वाह वाह, क्या कहना है। भाई, मुझसे नाराज अगर थी तो सजाएं देती, कर दिया किस लिए दुनिया के हवाले मुझको, खासतौर से अदनान के मिसरे हैं ये। हो गया मेरा आखिरी शेर सुन ले। सारे रिश्ते अपनी जगह, सबका अपना अलग प्यार है, माँ से बढ़कर कोई दूसरा, माँ से बढ़कर कोई दूसरा, प्यार दुनिया में हो